हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस टाइप की जो साड़ी होती है, ये एम्ब्रॉयडरी वाली, और जो इनका जो फैब्रिक होता है वो होता है जैसे जॉर्जेट वगैरह वाली साड़ियाँ जो हैं, वो हम में से सभी के पास एक ना एक साड़ी ज़रूर होती है। और आउट फैशन भी हो गई है ये थोड़ी सी, और अगर मतलब जैसे कहीं से फट जाती है, जल जाती है, या थोड़ी बहुत भी डिफेक्टिव हो जाती है तो हम पहन नहीं पाते हैं, तो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस टाइप की साड़ी है मेरी। तो इसमें जो बॉर्डर है वो बिल्कुल मोती वर्क वाला है, और ये इसका पल्लू वाला एरिया है, और कट वर्क वाला इसका जो है पूरे में बॉर्डर है। तो हम इसको किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, तो चलिए आज हम वीडियो में यही देखने वाले हैं, हम कैसे इस साड़ी से इतनी खूबसूरत सी ड्रेस बना सकते हैं। और अगर कभी फट भी जाती है, कुछ हो जाता है डिफेक्ट, तो हम तब भी इस जैसे ऐसी टाइप की साड़ी होती हैं, हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इस साड़ी से एक खूबसूरत सी ड्रेस। तो मुझे बनानी है ये 3 लेयर वाली ड्रेस बनानी है। तो जितनी भी हमारी लंबाई होगी उसमें से हमें 14 इंच जो है वो ऊपर की चोली का जो है कट करके, और बाकी की जो भी लंबाई है उसको हमें 3 से डिवाइड करके जो है वो जितने भी हमारे आएंगे 13 इंच 13 इंच मेरे ये 3 पार्ट में बनाऊँगी चौड़ाई में, और जो लंबाई रखेंगे वो हम पूरा जितनी हमारी साड़ी है उतनी मैं लूँगी, ये जितना बॉर्डर है। तो यहाँ 13 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया है। और उसके बाद यहाँ हम एक सीधा निशान लगाते जाएंगे। तो इसको हमें सीजर से भी कट करने की ज़रूरत नहीं है, ये इस टाइप से हम खींचते रहेंगे दोनों साइड से, तो अच्छे से ये कट जाता है, ये वाला जो फैब्रिक होता है जॉर्जेट वाला। तो ये जो पल्लू वाला एरिया है उसका मैं कुछ और बना लूँगी, तो इसलिए मुझे वो कट करके अलग कर लेना है। तो बाकी की जितनी भी साड़ी है हमारी, तो ये जो है हम कट कर लेंगे किसी और, कुछ और हम बना लेंगे इसका। तो यहाँ मैंने जितनी भी मेरी साइज है उस हिसाब से मैं ये कट कर लूँगी। तो जितना मेरा साइज है उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ एक निशान लगा लिया है, और इसको मैं कट करके अलग रख दूँगी। इसकी मैं जैकेट बनाने वाली हूँ, वो मैं बाद में बनाऊँगी फिर कभी। तो इस ड्रेस में मैं जो है वो नहीं यूज़ कर रही हूँ अभी इस जैकेट को, फिर कभी बाद में बनाएंगे इसको। तो बाकी की जो भी हमारी साड़ी बची है उसकी एक लेयर तो हमारी कट हो गई है, तो बाकी की दूसरी जो लेयर कट करने के लिए जो नीचे वाला पार्ट था उसी में जो थोड़ा सा डिज़ाइन होता है उसका जो है 13 इंच पे हमने निशान लगा लिया है, और इसको भी हम इसी टाइप से कट करते जाएंगे यहाँ से 13 इंच पे, और इसको भी हम दोनों साइड से इस टाइप से खींचते हुए जो है वो बड़ी आसानी से ये कट जाता है। जितनी मेरी पूरी लंबी है ये साड़ी उतनी मैं इसको ले लूँगी, तो इसमें फ्लेयर बहुत अच्छे आएंगे ड्रेस में। तो जो ये डिज़ाइन वाला हमारा पार्ट है इसमें मोती बने हुए हैं थोड़े, तो वो हमारे ये 2 हमारे पार्ट हो गए हैं। अब तीसरा जो है ऊपर वाला कट करने के लिए, बाकी की जो ऊपर वाली पार्ट हमारा बचा है उसमें से मैं कट कर लूँगी। तो एक ये बचा है जो हमारा प्लेन वाला एरिया, जो साड़ी में ऊपर की साइड होता है प्लेन, नीचे हमारे कुछ ना कुछ डिज़ाइन दिया हुआ होता है, और बाकी की जो साड़ी होती है वो प्लेन होती है। तो जो ये साइड वाला होता है जो हम बिल्कुल भी जिस पे कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं होती उसको कट करके अलग कर लेंगे पहले। तो इसका हम जो ऊपर वाला हमारी चोली वाला एरिया है वो कट करेंगे, उसके बाद जो प्लेन वाला हमारा बच गया है उसमें से हम कट कर लेंगे 13 इंच की जो है चौड़ाई का। तो ये प्लेन वाला बिल्कुल हमें एरिया लेना है ऊपर के जो सबसे ऊपर वाला हमारा जो पार्ट होगा उसके लिए। तो यहाँ भी मैंने 13 इंच पे एक निशान लगा दिया है। तो इसको भी बिल्कुल इसी टाइप से कट कर लेना है। तो अब हमारे तीनों जो है पैनल कट हो गए हैं, एक ये प्लेन वाला हो गया और दूसरा ये हो गया जिस जो बीच वाला है, तो इसमें हमारे बॉर्डर नहीं है, दोनों साइड हम सिलाई कर देंगे इसमें। तो यहाँ मैंने ये वाला फुट लगाया है जिसे हमें पीको करते हैं, वो वाला फुट लगाया है, और
इस टाइप से ये वाला जो नॉर्मल वाला होता है फुट, वो हटा के ये वाला फुट लगाया है पीको वाला, और बी पे हमने ये रख लिया है, और यहाँ थ्री पे या टू पे हम रख लेंगे। तो ये जो सिलाई आएगी ना वो बहुत ही पतली सी हमारी सिलाई आएगी और देखने में बहुत अच्छी लगती है, और अपने आप ही ये जो है सिलाई होती जाती है जैसे हम चलाते जाते हैं मशीन को। तो देखिए ये दोनों साइड मैंने सिलाई कर दी है, तो जो ये बॉर्डर वाला है उसमें एक साइड ही करनी है हमें सिलाई, ऊपर की साइड। तो ये जो हम सिलाई कर रहे हैं वो एक तो ये है कि जो इसमें धागे निकल रहे हैं वो भी नहीं निकलेंगे, और दूसरा क्या है ना कि जो मैं सिलाई करूँगी, जो मैं ड्रेस बनाऊँगी, तो वो हम ओवर स्टिच वाली जो है वो ड्रेस बनाएंगे। तो ये हमारे यहाँ भी मैंने दोनों पे सब पे जो है सिलाई कर ली है। तो ये तीनों जो हमारे पैनल हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हमने इस पे जो है वो एक रफ़ सिलाई लगा दी है सब पे यहाँ पे, और इस रफ़ सिलाई को हमें इस टाइप से खींचना है जिससे ये जो है वो घूम आ जाएंगे, ऊपर की साइड हमें घूम बनाने हैं जितनी भी हमारी ये पैनल है। और फिर इसके बाद यहाँ हमें इस टाइप से रख के और सिलते जाना है। तो पहले हम जो है रफ़ सिलाई लगाने के बाद इसको हम घूम भर देंगे सब में। उससे पहले हम जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है वो कट कर लेते हैं। तो जो हमने प्लेन वाला फैब्रिक निकाला था उसमें हमने जो लंबाई हमारी 14 इंच, इसमें 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, तो 15 इंच पे मैंने ये लंबाई का निशान लगाया है। उसके बाद 7 इंच पे जो है वो शोल्डर का निशान लगाएंगे, और 6 इंच पे हम आर्म होल्ड लगाएंगे। फिर जो भी हमारा साइज है उसमें हमें 1 इंच जो है लूजिंग देके और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन का, और यहाँ 1.5 पे हम सेंटर में निशान लगा के और इस टाइप से यहाँ ये गोलाई दे देंगे इसको। तो टक्स लगाने के लिए 3.5 पे मैंने यहाँ लगाई है एक जो मार्क किया है, और ऊपर से जो है वो 10.5 पे एक मार्क कर लिया है। तो ये हमारी 2 टक्स बनती हैं पीछे की साइड में, जो बैक साइड होता है हमारा जो पार्ट, तो इसको कट कर लेंगे। उसके बाद नेक के लिए जो है 3.5 पे मैंने चौड़ाई ली है और 1 इंच जो है वो इसकी गहराई दी है गले की। उसके बाद फ्रंट के लिए जो है वो जो हमारा बच गया है उसके ऊपर रखेंगे हम बैक पार्ट के, और यहाँ जो भी हमारा नेक कट करा है हमने 3.5 पे इस टाइप से नीचे की साइड तक एक वी जो है वो नेक बना देंगे। लास्ट तक हमें ये मिला देना है ऊपर से, और आर्म होल्ड के लिए जो है वो हमें 1 इंच पे जो है वो इस टाइप से गोलाई कर देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया, और ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। तो ये श्रग बनेगा, तो इसलिए ये फ्रंट से जो है वो ओपन रहेगा बिल्कुल, इसके अंदर से कुछ ड्रेस कोई और ड्रेस पहनी जाएगी, इसलिए इसका जो नेक है वो बिल्कुल डीप रखा है मैंने। तो जो हमारा बाकी का कपड़ा बच गया है उसके हम बनाएंगे स्लीव्स। तो इस टाइप से ये 4 फोल्ड करके रख लिया है, और जो ये बॉर्डर है वो मैं लाऊंगी सेंटर में, और 2 बॉर्डर एक साथ लाऊंगी मैं। तो 9 इंच पे एक निशान लगा लिया, और फिर उस पर डाउन करके 3 इंच पे इस टाइप से यहाँ ये मिलाते हुए एक जो है मार्क कर दिया है। फिर उसके बाद जो भी हमारा कलाई वाला जो एरिया है हमारा, तो उसको हम नाप लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेके इसको यहाँ से मिला देना है। उसके बाद हमें एक साइड से जो है वो जो फ्रंट वाला है एरिया उसका गोलाई दे देनी है 1/2 इंच पे।
इस टाइप से ये गोलाई देते हैं, जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसमें दो पार्ट में देते हैं बस खाली। तो ये इस टाइप से हमें लगानी है ये स्लीव्स। तो जो बॉर्डर है वो यहाँ बीच में आ जाएगा, तो दो बॉर्डर हमारे आ जाएंगे। और नीचे सबसे पहले सिलाई लगा देंगे और बीच में जो है एक टाँका लगा दूंगी मैं। तो इसका जो है मैं बाद में बनाऊंगी इसका ड्रेस, और ब्लाउज को भी मैं रीयूज़ करूंगी फिर किसी और ड्रेस में। तो पहले मैं इसमें जो हमने पैनल कट करे थे उसमें जो है वो रफ़ सिलाई लगा के और यहाँ धागा खींचते रहना है। तो ये सारे में हमें घूम बना लेने हैं जितनी भी हमारे पार्ट आए हैं, तीन पार्ट जो हैं हमारे। तो ऊपर की साइड हमें ये इस टाइप से घूम बना लेने हैं पूरी ड्रेस में, फिर उनको इस टाइप से जोड़ना है एक के ऊपर एक रख के जहाँ पे हमने घूम भरे हैं। तो जो नीचे वाला पार्ट है उसके ऊपर रख के इस टाइप से सिलाई लगा देनी है। तो ओवर स्टिच ये करनी है हमें यहाँ रख के, और जो हमने रफ सिलाई लगाई थी उसी पे हम ये मशीन जो है वो चलाते जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें भी हम ऐसे घूम भर लेंगे ऊपर की साइड। तो अभी तक हमारे दो पार्ट जो है वो जॉइंट कर दिए हैं हमने। तो तीसरा पार्ट जो है वो जॉइंट करने के लिए इसमें ऊपर की साइड यहाँ घूम भर देंगे पहले, फिर उसके बाद जो ऊपर प्लेन वाला एरिया था हमारा, प्लेन वाला जो पार्ट है उसके ऊपर रखते हुए इसको भी ओवर स्टिच करना है। तो जहाँ पे हमने रफ सिलाई लगाई है वहीं पे हम अपनी जो निरल को रखेंगे और सिलेंगे। तो ये देखिए मेरे ये तीनों पार्ट जो हैं जोड़ दिए मैंने, तो इस टाइप से ये बन गए हैं। और फ्रंट में ये ओपन रहेगा, श्रग है। तो पहले हम ऊपर वाला जो हमारा है एरिया उसमें भी हम रफ सिलाई करके और इसको खींचते जाएंगे, तो ये घूमाते जाएंगे पूरी जो ऊपर वाली है हमारी लाइन। इसी टाइप से इसमें पूरे में हम घूम भर देंगे। तो जितनी हमारी कमर है उस उतनी ही हमने ये घूम भर दिए हैं। तो जो ये है हमारा ऊपर वाली चोली उसका जो है शोल्डर हमने जोड़ दिया है। और जो ये स्लीव्स हैं उनको हम इस टाइप से जोड़ देंगे इसमें। तो यहाँ जो बॉर्डर है यहाँ सेंटर में आना चाहिए, तो एक इधर दोनों, और बिल्कुल सेंटर में एक ये जो है गैप जो है वो आ जाएगा। और बीच में हम एक टांका लगा देंगे। तो जैसे ये मोती वर्क है तो इस पर हम कैसे सिलाई कर सकते हैं, तो ये मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं। तो इसके लिए क्या करना है ना कि कोई भी हमें जो है लेके सामान और उसको हमें फोड़ते जाना है, जो भी हमारे बीट्स हैं या स्टोन्स हैं उनको इस टाइप से हमें फोड़ देना है और उधेड़ना नहीं है, जिससे ये सिलाई भी फिर उधर जाती है। तो फोड़ेंगे तो सिलाई नहीं उधरेगी। इस टाइप से यह सिल दिया है मैंने बीच में, ये बिल्कुल एकदम सेंटर में आना चाहिए। और दूसरा वाला जो है बॉर्डर उसको इस टाइप से रखेंगे और फिर एक सिलाई लगा देंगे। तो हम पूरी स्लीव्स जो है वो इसमें जोड़ देंगे पूरे पार्ट में। तो ये देखिए हमारा जो बॉर्डर है दोनों सेंटर में आ गए हैं बिल्कुल। साइड वाली हम सिलाई लगा देंगे उसके बाद, और यहाँ एक टांका लग जाएगा स्लीव्स में।
अब हमें नीचे की जो है एक सिलाई लगा देनी है स्लीव्स में। इस टाइप से फोल्ड करते हुए हमें यहाँ सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने साइड वाली सिलाई भी लगा दी है फिटिंग वाली, और जो प्लेट होती हैं वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। फ्रंट में प्लेट्स नहीं डाली हैं। तो जितनी हमारी कमर है आई है उतनी ही पे हमने ये जो है घूम भर लिए हैं, और यहाँ पे हम सिलाई इस टाइप से ये दोनों को जॉइन कर देंगे। तो जैसे ये स्लीव है, यहाँ हम कहीं भी एक टांका लगा सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है, और नीचे वाला फ्लेयर वाला पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। अब क्या करना है ना, इसकी जो फ्रंट में ओपन रहेगा ये जहाँ से, वहाँ पे हमें फ्रंट रहेगा ओपन, तो इसके लिए हमें जो है वो कुछ ना कुछ उसमें लगाना होगा। तो यहाँ मैंने ये इसी की जो पट्टी बची थी एक, तो उसको मैंने लगा दिया है। 1.5 की ये लगाई है पट्टी, और इस टाइप से यहाँ ये फोल्ड करते हुए हम में पूरे में लगा देंगे ये पट्टी। तो ये इस टाइप से सिली है मैंने, ये सीधी तरफ से हमें एक सिलाई लगा दी है, और बीच बीच में से हल्के हल्के कट लगा देंगे। और बैक का जो नेक है वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे नेक बनता है वैसा ही बनाया है। तो यहाँ इस टाइप से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देंगे, और उसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे बाद में। तो पहले ये सिलाई लगा दी है मैंने, एक पट्टी जो है वो इसमें जॉइंट कर दी है, उसके बाद एक ऊपर से एक सिलाई लगा दी है फोल्ड करते हुए इसको। तो लगभग 1/2 इंच की ये पट्टी हमने इस टाइप से कट करके फोल्ड करके मतलब एक सिलाई लगाई है। पूरी में हम जो है इस टाइप से ही सिलते जाएंगे, ऊपर से लेके नीचे तक हमें ये एक ही पट्टी पूरी लगा देनी है। और ये बिल्कुल सीधी वाली पट्टी है, उरेब वाली पट्टी नहीं है। तो ये जो हम पट्टी लगा रहे हैं उसको जितनी हम फिनिशिंग से लगाएंगे ड्रेस हमारी उतनी ही एकदम अच्छी से निखर के आएगी, जो उसका डिज़ाइन आएगा। तो नीचे तक हमने ये पट्टी लगा दी है, और इस टाइप से नीचे से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देंगे पूरे में। उसके बाद ये जो हमने सिलाई लगाई है उसको हम पूरी पट्टी को अंदर की तरफ जो है फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे ऊपर से, एक इसको इस टाइप से फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड, और यहाँ एक सिलाई लगा देंगे। तो लास्ट तक हमें इसी टाइप से एक सिलाई लगाते जाने हैं। तो उसके बाद जो है वो जो हमारा सेंटर में वी नेक बनाया था वहाँ पे हमें ये हुक लगा देने हैं। तो ये इस टाइप के हुक हैं जिनमें काज आता है साथ में, तो ये हुक लगा दिया एक साइड, और एक साइड जो है वो काज लगा दिया है। तो ये श्रग हमारा रेडी हो गया है। तो देखिए पुरानी साड़ी से हम कितनी अच्छी ड्रेस बना सकते हैं। तो जैसे डिफेक्टिव हो जाती है साड़ी तो हम रीयूज़ कर सकते हैं। और ये जो अंदर मैंने ड्रेस पहनी है पिंक कलर की, तो ये भी पुरानी साड़ी से बना हुआ है। और अगर आपको पसंद आई है मेरी ड्रेस तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।